प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.11। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। साथ साथ में समझे, ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस है जो इसके आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। ये आई पीस है माइक्रोस्कोप का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कितनी दूरी पर रखें कि क्लियर इमेज बन जाए, पहला काम फाइनल इमेज बन जाए, पहला तो काम ये करना है। तो पहले ये काम कर लेते हैं भी, ये यू नॉट हमने निकालना है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है। लो पहले लिख लेते हैं, ये फिगर अच्छी तरह समझ लो। ये हमने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट रखा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जहां रिफ्रैक्शन होगी तो रेज जहां पर मीट करेंगी इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज बनेगा। फिर इसे मैग्नीफाई करता है, ये आई लेंस है, ये इसका वर्चुअल इमेज के तौर पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका, तो इसे मैग्नीफाई करेगा और इसका इमेज इधर इरेक्ट वर्चुअल इमेज बड़े साइज का इमेज बनेगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन है वो भी हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू नॉट, इमेज एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस वी नॉट, इसे वी नॉट मान लेते हैं। लेट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जी अब जो ऑब्जेक्ट इमेज है ना इस लेंस के लिए अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसे हमने क्या लिख दिया यू, ई का मतलब होता आई पीस, ओ का मतलब होता ऑब्जेक्ट, तभी इसको सेपरेट करने के लिए ने ऐसे किया है। वी ई इज अ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड आई पीस, वी ई जो डिस्टेंस इमेज का आई पीस के है वो कितना होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसे हमने -25 सेंटीमीटर लेना। क्यों माइनस लेना, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे हम माप रहे हैं। एफ ई जो फोकल लेंथ होती है ना कन्वेक्स लेंसेज की, वो हमें हम पॉजिटिव ही लेते हैं। एफ ई इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, ये है आई पीस की फोकल लेंथ। इसमें ये देखना हमने भी कैसे इसे सॉल्व किया जाए। अगर पहले फार्मूला हम इधर लगाएं लेंस फार्मूला, तो इसे हमें प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमें वी नॉट भी नहीं पता थे ना यू नॉट पता है। हम उल्ट डायरेक्शन से चलेंगे, आई पीस की तरफ से हम फार्मूला लगाएंगे, इधर फिर इधर आएंगे। तो पहले आई पीस पर लगाते हैं फार्मूला, 1/VE - 1/UE = 1/FE। वी की वैल्यू हमें पता ही है, वो है हमारे पास जहां लिखी हुई है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 1/-25 सेंटीमीटर -1/UE कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहले इज इक्वल टू 1/ जे फोकल लेंथ हमें दी हुई है आई पीस की, वो जहां लिखी हुई है 6.25 सेंटीमीटर, तो जो जहां पुट कर दिया, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -1/UE = 1/6.25, इधर प्लस हो गया +1/25, इसे 100/625 लिख लो, डेसिमल का 100 ऊपर लगा दिया +1/25, इनका एलसीएम लो 625 आ गया, 100 25 25 625, 100+25 125 बटा 625, इसे काट लो 125 5 625, ये 1/5 आ गया, -1/UE = 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यूई की वैल्यू आ गई -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है, इसके लिए नेगेटिव वैल्यू आई है। अब हम वी नॉट की वैल्यू निकालनी, जरा ध्यान से देखो, यूई की पता लगे वी नॉट प्लस यूई, जे टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। वी नॉट निकालना, 15 में से यूई सब्ट्रैक्ट कर दो, वी नॉट 15 माने यूई इज इक्वल टू 15 - 5, यूई हमने 5 निकाला है। तो ये हमने जहां हमने ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ऐसे ना कर देना आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 ऐसे साइन भी डाल लो बेशक, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हमने ली है, ये एक्चुअली तो -5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, चाहे ऐसे लिख लो आप, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है, आपने कहना भी माइनस तो लगाया ही नहीं, ऐसे नहीं होता, जहां ठीक कर देता हूं मैं थोड़ा,
तो जे एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस फाइव तो फाइव हो गई, 15 माइनस फाइव हो गया 10, 10 सेंटीमीटर आ गई। वी नॉट की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो अब यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इधर ऑब्जेक्टिव पर हम लगाएंगे लेंस फार्मूला, 1 ओवर वी नॉट माइनस 1 ओवर यू नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर एफ नॉट बाय लेंस फार्मूला। और जे वी नॉट की वैल्यू हमें पता ही है 1 बाय 10 माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर एफ नॉट। एफ नॉट की हमें वैल्यू दी हुई है, वो एफ नॉट की वैल्यू ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखो 2 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो 1 बाय 2 बन गया। ये तो पॉजिटिव ही लेंगे, अब जहां से हम वैल्यू निकालते हैं माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 10। एलसीएम ले लो 10, 2 5 10, 5 माइनस 1 4 बाय 10। तो इसे बाय इन्वर्टेंडो ये यू आ जाना, इसको सॉल्व करोगे माइनस इधर आ जाना, ये आ गया 10/4, उल्टाओगे तो 10/4 इसे काट लो, 2 2 4 2 5 10, माइनस भी आना ना साथ में, माइनस 2.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया आंसर, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो जी आंसर लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट है, अब जो इमेज है इन्फिनिटी पर बन रहा है, आगे देखते हैं। तो जे वी यू नॉट निकालना, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच कितना डिस्टेंस है वो निकालना, कब, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। लो देखें, लो अब बी पार्ट, अब इमेज इज एट इन्फिनिटी, अब जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर बन रहा है। इन्फिनिटी पर तभी इमेज बनता है अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रखें। हम जरा ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने आगे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसने रियल इमेज जहां बना दिया वी नॉट दूरी पर, और ये इसकी सेटिंग इस हिसाब से तभी इन्फिनिटी पर बनेगा अगर ये प्रिंसिपल फोकस होगा किसका, आई पीस का, इस लेंस का। इसका मतलब जो यूई है, यूई जे दूरी है ना जहां से लेकर जहां तक डिस्टेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के इक्वल हो जाएगा, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। लो इतनी सी बात है, लो अब पहले थोड़ा समझ ले। लो पहले मैं जहां आई पीस पर लगा रहा हूं लेंस फार्मूला, 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ई। तो अब इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर, वी किसके बराबर होएगा, इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ई। एफ ई की वैल्यू हमें दी हुई है 6.25, 1 बाय 6.25। 1 ओवर इन्फिनिटी तो जीरो होता है, ये तो खत्म हो जाना, माइनस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर 6.25, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यूई आ गया माइनस 6.25 सेंटीमीटर। तो UE और FE दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लो ये तो हमने थ्रेटिकली भी प्रूव, कैलकुलेशन भी करके प्रूव कर लिया है। अब V नॉट कितना आएगा, देखो V नॉट का डिस्टेंस इन दोनों का, V नॉट प्लस UE इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 15 है, दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी कितनी है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर है, जहां से हम V नॉट निकाल लेंगे। वी नॉट कैसे निकाल लेंगे हम, 15 में से जो जो यूई निकाला है ना इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 माइनस 6.25। तो जहां भी ध्यान रखना माइनस ना लगा लेना, जहां एब्सोल्यूट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक स्टेप फिर मैं जहां कर देता हूं, 15 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूई कितनी है, माइनस 6.25। तो ये माइनस तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6.25 ही रहनी है, 15 माइनस 6.25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8.75 ये वैल्यू आ गई, सब्ट्रैक्ट करके जे वी नॉट की वैल्यू आ गई, जो ऑब्जेक्टिव और इमेज का डिस्टेंस वी नॉट है। तो फिर हम फार्मूला लगा लेंगे, 1 ओवर वी नॉट माइनस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ नॉट। एफ नॉट भी हमें पता 1 बाय 2 आ, वी नॉट हमने निकाली है 8.75, 1 बाय 8.75 माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहां से यू नॉट निकाल लेते हैं, लो जहां वैल्यू पुट कर दी है हमने, जे माइनस 1 बाय यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2, जे दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 1.875, तो इसका एलसीएम ले लो
तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 17.5, तो जहाँ 8.75 बन जाना माइनस 2, एलसीएम को सॉल्व करेगा ना इन फ्रैक्शंस को, तो आप सब्ट्रैक्ट करो 6.75 बटा 17.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, यू नॉट आ गया माइनस 17.5 बटा 6.75, इनको डिवाइड करोगे तो माइनस 2.59 सेंटीमीटर आ जाना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कितना आ गया 2.59 सेंटीमीटर। ये दूरी जो हमें पूछा था वो 2.59 सेंटीमीटर आ गई। आगे बच्चों इसने और क्वेश्चन भी पूछा, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। जब इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा था ए पार्ट, उस वक्त मैग्निफिकेशन निकालनी है, जब इन्फिनिटी पर बन रहा था तब भी मैग्निफिकेशन निकालनी है, एक बार फिर देख लो, जब लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनना तब भी मैग्निफाइंग पावर निकालनी है, जब इन्फिनिटी पर बन रहा तब भी मैग्निफाइंग पावर निकालनी है। लो पहले तो फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन, तो हम लिख लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये फार्मूला हमें पता ही है, वी नॉट बटा यू नॉट इनटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई डी इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वी नॉट वो वैल्यू हमें पता ही है 10 सेंटीमीटर, जहां हमने निकाली थी ये वी नॉट 10 सेंटीमीटर, तो यू नॉट भी निकाला माइनस 2.5 सेंटीमीटर, तो वो मैंने पुट कर दिया। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 है, जो एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो हमें 6.25 सेंटीमीटर दी है। बस अब सॉल्व ही करना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। लो जी हमने कैलकुलेशन करती है, जब 2.5 का 10 ऊपर लगा दो, 10 इंटू 10 बटा 25 माइनस 1 प्लस, ये डेसिमल निकाल के डेसिमल का 100 ऊपर लगा दिया ना, दो अंक छोड़ के लगा हुआ, 2500 बटा 625 को काट दो, 4 से कट जाएगा सीधा ही, ये 10 इंटू 10 100 बाय 25 1 प्लस 4, इसको भी काट दो 2500 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 5 तो माइनस 20, तो मैग्निफिकेशन हम 20 लेंगे इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई माइक्रोस्कोप की 20। लो अब सेकंड केस है, जब इमेज कहाँ बढ़ रहा था इन्फिनिटी पर, ये केस है बी, इसकी मैग्निफिकेशन हमने निकालनी है। मैग्निफाइंग पावर व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने किया हुआ वी बटा यू नॉट, जहाँ प्लस ही लगेगा, वी नॉट ओवर यू नॉट इंटू डी बटा एफ ई। तो लो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट कितनी है, वी नॉट हमने देखो कैलकुलेट किया था 8.75, तो यू नॉट भी जहाँ कैलकुलेट किया है माइनस 2.59 सेंटीमीटर, यू नॉट नेगेटिव ही है ना, क्योंकि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे हम ये डिस्टेंस माप रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 है, तो जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है वो 6.25 है, वो हमें गिवन थी, वो हमें ये वैल्यू हमें गिवन है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो डेसिमल से दोनों दो टू दशमलव छोड़ के डेसिमल लगे ना ऊपर नीचे, तो ये तो सीधे काट दिए 875 बटा 259 इनटू इसका डेसिमल का 100 मैंने ऊपर लगा दिया, अब इन दोनों को काटोगे 4 से कट जाएंगे, ये आ गया माइनस 875 इनटू 4 बटा 259, 875 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया 3500 3500 बटा 259, तो इसको आप सिंपलीफाई करोगे ये वैल्यू बन जानी माइनस 13.5, तो ए मैग्नीफाइंग पावर आ गई। इसको माइनस इग्नोर कर दो, दैट इज इक्वल टू 13.5।